नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लिपस्टिक्स लिप कलर्स यूज करते हैं। मैं आपके साथ लिप्स को हम किस तरीके से कलरफुल बनाएं और कुछ ऐसी लिपस्टिक्स जो कि बहुत हैवी होती हैं डेली रूटीन में, अगर उनको यूज करना है तो कैसे करें, पार्टी में उनको यूज करना है तो कैसे करें। तो मैं आपको सबसे पहले वो लिपस्टिक्स यहाँ से निकाल कर दिखा देती हूँ। ये तीन लिपस्टिक्स, इनसे हम आज वो काम करेंगे। उसके अलावा एक ये लिप क्रीम, एक इसको हम यूज करेंगे कि लिप कलर के ऊपर किस तरीके से हम उसकी लुक अलग करने के लिए इसको यूज करेंगे। और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये देखो आप, ये ऐसे करके ऐसे खुलेगा। ये कहाँ कहाँ से है, विदेशों से है, हिंदुस्तान से है, मैं ये कोई आज खास डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि बहन भी मेरे लिए काफी चीजें लेकर आती है। तो इसमें कुछ जैपनीज या चाइनीज में लिखा है, यहाँ से देखने से पता लग रहा है लेकिन मुझे इसका नाम पता नहीं है। तो चलो यहाँ रख लेते हैं इन सबको, चार हो गए। ये एक ये बहुत ही अच्छी चीज है, अभी देखना है आप, मैं बताती हूँ आपको। इसका नाम लिप एक्सफोलिएटर है। ये जैसे हमारी स्किन के लिए एक्सफोलिएटर होते हैं, लिप्स के लिए है ये। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगा कि एक साथ आपको एक वीडियो में दिखाई जाए, कि आप भी अगर चाहें तो ऐसी चीजें आप मंगाएं और यूज करें, या जाकर खुद खरीदें और यूज करें। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, एक्सफोलिएटर पिंक कलर की पैकिंग में लिपस्टिक की तरह खुलता है, रोल ऑन हो जाता है। अगर आप पास से देखो तो इसमें कुछ दाने दाने से हैं। इसको क्या करना होता है, ये अपना अपना सेपरेट रखना चाहिए। अगर सेपरेट नहीं रखना है, एक फैमिली में एक से ज्यादा लोगों ने यूज करना है, तो फिर इसको इस तरीके से, जैसे ये साइड से बाहर आ गया है, इस तरीके से ले लें थोड़ा सा, थोड़ा मैं लिप्स पे लगा भी चुकी हूं। ये एक्सफोलिएट कर देगा हमारे लिप्स को। थोड़ी देर इसको लिप्स पर रख भी सकते हैं, नहीं रखना तो हल्का सा इसको रब करें और लिप्स को वॉश कर दें। लिप्स के कॉर्नर्स पर कभी कभी बहुत छोटे छोटे बम्स जैसे आ जाते हैं, तो यहाँ पर जरूर हमें एक्सफोलिएट करना चाहिए ताकि हमारी स्किन क्लियर हो जाए और जब हम लिपस्टिक लगाए तो उसकी लाइन बहुत अच्छे से नजर आए। लाइन से याद आया, मैं एक दो आपको लिप लाइनर भी साथ में दिखा देती हूँ कि लिपस्टिक के साथ उनको किस तरीके से हमको यूज करना चाहिए। इसको लिप्स पर थोड़ा लगा रहने देते हैं, साथ साथ वो लिप कलर भी निकाल लेते हैं। ये देखो आप, ये कलर सब एक ही रेंज के हैं क्योंकि मेरी चॉइस इन्हीं कलर्स में है, इसलिए आप अपने कलर के लिप कलर भी ले सकते हो। बस ये हो गया, इसको मैंने वॉश कर दिया और मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ। मैं अपने लिए ये वाला मिरर ले लेती हूँ, ये नजदीक है, मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो वीडियो बाथरूम में बन रही है तो अगर थोड़ा सा स्वेटिंग होगी तो मैं बीच बीच में उसको साफ कर लूंगी। अब आ जाते हैं इस दूसरे प्रोडक्ट पर। तो ये देखो आप, कितना प्यारा सा है, ऐसे खुला, ये इसको ऐसे हम बाहर निकालेंगे। ये लिप ग्लॉस है, इसको रात को लगा सकते हैं और ये इतना अच्छा है कि जैसे हम कोई हल्के वैसलीन वगैरह जब लगाते हैं तो मैं देखती हूँ वो गायब हो जाता है, पता नहीं बेड पर लग जाता है करवट के सहारे या क्या होता है, लेकिन ये एज इट इज सुबह तक लगा रहता है। और इसमें हल्का सा पिंक कलर है, अगर इसको लिपस्टिक की जगह भी कभी कभी यूज करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको क्यों यूज किया है, लिप कलर लगाने से पहले लिप को थोड़ा मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने इसको लगाया। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले लाइट कलर से स्टार्ट करूंगी, फिर लिप पर डार्क कलर आ जाएगा तो फिर उसके बाद लाइट लाइट शायद आपको अच्छा ना लगे। तो जो मैंने लिप ग्लॉस लगाया हो गया, अब उसका जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देते हैं। आप देख सकते हो कलर आया इसमें हल्का सा। लिप लाइनर के साथ हमें लिपस्टिक लगानी है तो कैसे लगाएंगे, लिप लाइनर मैचिंग भी ले सकते हैं और एक शेड डार्क भी ले सकते हैं, अपने ऊपर होता है।
ये जो बाहर से गंदा हो जाता है इसको साफ करने का तरीका है इस तरीके से। और अगर इसकी शेप खराब हुई है तो उसको भी हमको ऐसे ही करना होता है हल्के हाथ से, और थोड़ा सा इसमें वेस्ट होगा लेकिन शेप बन जाती है इसकी। तो अपने लिप्स पर मैं इसको पहले अप्लाई करूंगी। इस तरीके से मैचिंग, तकरीबन मैचिंग लिप लाइनर हमें तब लेना चाहिए जब हमारे लिप्स में डिसकलरेशन हो, टैनिंग हो गई हो, तो तब हमको ये काम करना चाहिए। पहले ये लिप लाइनर पूरे लिप्स पर लगा लो। अभी मैं आपको वो सब नहीं बता रही हूँ कि हमें अगर अपने लिप्स को बड़ा बनाना है, छोटा बड़ा बनाना है तो कैसे करेंगे, मेरे जैसे लिप्स है, मैं उन्हीं पर आपको ये सब चीजें अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो मैंने एक कोटिंग इस लिप लाइनर की लगा ली। अब मैं ले रही हूँ लिपस्टिक, ये वाली बड़ी खूबसूरत सी लिपस्टिक है, ये इसका कलर है। तो इसको अब मैं इस पर अप्लाई करूंगी। ऊपर के लिप पर जब हम लिपस्टिक लगाते थे यहां से यहां लगानी चाहिए, फिर यहां से यहां लगानी चाहिए। कई लोग ऐसे लगाते हैं यहां से वो नहीं करना चाहिए, उससे ठीक नहीं बनती है। क्योंकि जब हम यहाँ से ऐसे लिप को करते हैं तो लिप्स को हम घसीट रहे, खींच रहे, वो नहीं करना चाहिए। बीच से आधा इधर और आधा इधर, नीचे भी करना तो यही चाहिए हमें, बीच से इधर और इधर से इधर। और लास्ट में लिपस्टिक को आ करके इसमें जो लाइंस होती है उसमें भर देना चाहिए, क्योंकि लिप्स में लाइंस सबके होती है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि हम बात करते हैं तो लिप्स खुलते हैं, छोटे बड़े होते हैं, तो उसके लिए हमारा शरीर इस तरीके से बना हुआ है। लेकिन हमें उसमें फिर ये लिपस्टिक को फिल करना बहुत जरूरी होता है, और अगर लिपस्टिक डार्क है तो उसको तो बहुत ही जरूरी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो दिखाई दे जाएगा कि लाइंस खाली है। तो एक स्टाइल हो गया ये। मैंने बताया आपको कि अगर हमें लिप लाइनर के साथ लिप कलर मैचिंग वाला लगाना है तो कैसे लगाना है। इससे जो दो फायदे होंगे, एक ये कि लिपस्टिक ज्यादा देर तक टिकेगी, और दूसरा लिपस्टिक का कलर उभर के आएगा, एनहेंस हो जाएगा। तो अब इसको मैं साइड रखती हूँ, लिपस्टिक को साफ करती हूँ और दूसरी लिपस्टिक यूज करके दिखाती हूँ। लिप्स मैंने रेडी कर लिए हैं, बहुत हल्का सा ये लगा लेती हूँ। डॉट्स में लगाकर मैंने ऐसे कर लिया ताकि मुझे इसको रिमूव ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना हो, और मेरा ये प्रोडक्ट भी वेस्ट ना हो। ये बहुत अच्छा और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है इसलिए, और ये बड़ी दूर से फिर भी मेरे लिए लाई है। अब मैं लगा रही हूँ वो वाली लिपस्टिक जो कि स्टे ऑन है, ये उतरती नहीं है जब तक कि इसको उतारा ना जाए, चाहे चिकनी चीज भी खा लेंगे तब भी नहीं उतरती है ये। तो लिपस्टिक को लेंगे, थोड़ा इसको साफ कर लेंगे, ऐसा नहीं कि भरा रहे, इसको अप्लाई करेंगे। मैंने जैसे बताया बीच में से इसको थोड़ा जल्दी लगाना होता है। ये जो स्टे ऑन लिपस्टिक्स है मैं बीच में बता रही हूँ आपको, क्योंकि फिर आप डिफरेंस भी जान जाओगे कि कैसे लगाया। और ये वाली लिपस्टिक्स क्विक अप्लाई कर देनी चाहिए, अदरवाइज लगाते लगाते भी ये टेक्सचर लेने लग जाती है। और इन लिप कलर को लगाने के बाद लिप्स को ऐसे मिलाना नहीं चाहिए जैसे हम लिपस्टिक्स लगा के अक्सर कर लेते हैं, क्योंकि ये ड्राई होने वाली लिपस्टिक होती है इसलिए। तो मैंने देख लीजिए एक बार अप्लाई कर दिया ऊपर, इस पर डबल डबल अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज बहुत गंदा टेक्सचर आ जाता है और उसका स्टे फिर डिफरेंट हो जाएगा, लुक डिफरेंट हो जाएगी, सिर्फ पपड़ी पपड़ी जैसी दिखाई देगी। तो मैं इसको नीचे के लिप में भी लगा लेती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा है इसको क्लीन करके हमेशा अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई मैंने कर लिया। इस तरीके की लिपस्टिक जो स्टे ऑन होती हैं, इनको लगाने के बाद सहा सा वेट करना चाहिए,
ये नहीं करना चाहिए कि तुरंत कुछ खा लो, जल्दी से इस पर कुछ और अप्लाई कर दो, नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए। जब सेट हो जाती है लिप्स पर, फिर ये स्टे ऑन बन जाती है। इसको जब आप चाहोगे ये तभी उतरेगी, वरना ये नहीं उतरती है। मेबलिन का ब्रांड है ये, और ये वाला इसका कलर भी मैं आपको बता देती हूँ, 15 नंबर है ये। अगर आप चाहें तो लें, क्योंकि ये मैक्सिमम हर स्किन टोन पर सूट कर जाता है कलर। तो ये मैंने आपको बता दिया दूसरा। अब हम बात करेंगे कि अगर इस लिप कलर को उतारना है तो कैसे उतारेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये उतरता नहीं है, उतरता नहीं है, उतरता नहीं है। वैसे तो लिप कलर रिमूवर, हाँ मैंने ठीक बोला, वो भी आते हैं, वो ले सकते हैं, वो आई मेकअप भी रिमूव कर देते हैं, लेकिन मैं जो आजकल यूज करती हूँ मैं वो आपको दिखा देती हूँ, और इसी दौरान लिपस्टिक को उतारने का भी सही तरीका आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं 4-5 शेड यूज करके आपको बता रही हूँ। तो इसमें मैं आपको लिप कलर उतारने का तरीका भी साथ में बता देती हूँ। मैं लिप कलर रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, काजल हटाने के लिए ये दो चीजें यूज करती हूँ, टॉयलेट पेपर और नारियल तेल। नारियल तेल को थोड़ा सा लेना है, लिप्स पर ड्रॉप्स में लगा के फैला देना। आप देखो ये बिल्कुल भी मेरे हाथ में लिप कलर उतर के नहीं आया, अदरवाइज दूसरी लिपस्टिक होती है तो तेल लगते ही तुरंत उतर के आ जाती है। तो इसलिए इसको जब उतारना है तो हल्की सी मसाज देनी है, अभी भी बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है। माय गॉड, इसका इफेक्ट देखो आप, बिल्कुल भी नहीं हिला है। अब टिश्यू से इसको करेंगे, हम कैसे करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ लिप कलर हमेशा साफ करना चाहिए। अब इसमें आया है, ऐसे इधर से करेंगे, ऐसे फैला लेंगे लिप्स को, ताकि जो लिप्स की लाइन है वो फैल जाए। अब मैं मिरर देख के साफ करती हूँ, तरीका तकरीबन मैंने आपको बता ही दिया है। अब नीचे जहां जहां थोड़ा सा रह गया वहां पर मुझे ऑयलिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। तो अब इसके साथ ऐसे इसको रिमूव करेंगे। लिपस्टिक चाहे स्टे ऑन हो चाहे ऑर्डिनरी, कभी भी ऐसे 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 करके नहीं पहुंचनी चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ जेंटली पहुंचनी चाहिए, तो जो हमारे लिप्स के आसपास कैरी है वहां वो फैलती नहीं है, लगती नहीं है। अब मैं फिर से ये लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, अब तीसरा प्रोडक्ट, ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है, ये भी वैसे ही है, इसका स्टे ऑन ऐसे नहीं है जैसे पिछली वाली का था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसको पहले अप्लाई कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या चीज आपको ऐड करके दिखाऊंगी। इसका स्पॉन्ज इतना अच्छा है कि पहले लिप लाइनर नहीं भी यूज करना तो ना करें, थोड़ा सा और ले लेते हैं नीचे के लिए, क्योंकि वहां से वो खाली हो गया। आप देखो तिरछा है इसका, ये अगर जरूरत हो लाइन की तरह यूज करना है, लिप लाइनर की तरह इसको यूज करना है, तो फिर इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको घुमा के यूज करेंगे, और लगाना है तो जो ये चपटा वाला फ्लैट वाला तिरछा वाला हिस्सा है वहां से अप्लाई करेंगे। और अब मैं यहां से इसको लाइन पर यूज कर रही हूं, आउटलाइनिंग पर, मैं कर चुकी हूं। ये लग गई, ये काफी डार्क है, पार्टी वियर तो बहुत अच्छी है, इसका भी स्टे है कुछ देर का, इतनी जल्दी नहीं उतरती, और स्टे ऑन रिजल्ट देखने के लिए थोड़ी देर के लिए अप्लाई करके
भूल जाना है, एकदम कोशिश नहीं करनी है कि अरे ना उतरे ना उतरे, नहीं उतरेगी, लेकिन थोड़ा देर आप वेट करेंगे तो उसके बाद ये अपने लिप्स पर सेट हो जाती है। इस तरीके की डार्क लिपस्टिक्स में अगर हमारे लिप्स बहुत पतले हैं तो वो और भी पतले पतले दिखाई देते हैं। अब इन्हीं लिप कलर में अगर लिप्स को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, थोड़ा मोटा दिखाना है, जैसा कि आजकल ट्रेंड में है या वो लोग जो पसंद करते हैं वैसे लोग, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यूज करेंगे इस तरीके की लिप क्रीम। लिप क्रीम अलग से भी मिल जाती है और आप चाहें तो लाइट कलर के लिप ग्लॉस ले सकते हैं, लिप कलर ले सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली लिप क्रीम इसी काम के लिए बनाई गई है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिपस्टिक वाला कंटेंट नहीं है। ये डिफरेंट क्वालिटी की होती है, काफी ड्राई लग रही है अभी आपको दिखने में, लेकिन वही ये अभी फायदा देने वाली है। तो मैं क्या करूंगी, इसको लेकर मैं बीच में लगाऊंगी, इस तरीके से थोड़ा शेप देते हैं ठीक से। अभी मैंने एक कोटिंग लगाई है इसकी, एक बार सेटिंग की है तो आप अगर डिफरेंस देख पाओ। अभी और लाइट करते हैं इसको बीच में से, एक बार में नहीं करना चाहिए कभी भी, फिर बहुत मोटी लेयर आ जाती है और हमें पता नहीं लगता कि हमें कहां तक जाना है और ये काम ऐसे इसको बार बार मिटा भी नहीं सकते। तो अब बीच में मैं आपको पास से समझा देती हूँ। सब अभी मैंने जो पहला कोट लगाया तो लिप्स में इसका ज्यादा एरिया कवर किया, नीचे भी और ऊपर भी। अब उस ज्यादा एरिया में छोटा एरिया कवर करूंगी ताकि वो लिप जो ऐसे प्लम हो जाए और उभरे हुए दिखाई दें। आप देख सकते हैं यहां से, हल्की सी मर्जिंग कर देनी है, बहुत आसान होता है क्योंकि ये जो स्पंज है जिस क्वालिटी का बना है ये काम वो कर देता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको डिफरेंस 100% पता लग रहा होगा कि जो मैंने सिर्फ इसको लगाया था तब कैसे थे लिप्स, और उसके ऊपर इसको जब मैंने डबल कोट में लगाया सिर्फ बीच बीच में, तो लिप्स कैसे लग रहे हैं। तो मैं इसको रिमूव करती हूँ और फिर अब आपको एक लास्ट प्रोडक्ट यूज करके दिखाती हूँ, वो एकदम अलग टेक्निक का होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए और अपनी लाइफ में इन टेक्निक्स को लिप कलर यूज करते हुए डेली यूज कीजिए। मैं इस लास्ट लिप कलर पर आ गई हूँ जो कि बाकी पिछले सारे लिप कलर से बहुत डार्क है। ये भी कहीं बाहर से मैं भी मेरे लिए लाई थी और इसका ब्रश भी इसी टाइप का है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसका ब्रश कर्व में है। आज की वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया है कि ये ब्रशेस, जैसे कि ये कर्व वाला निकला, एक तिरछा था, लिपस्टिक भी तिरछी होती है, उनको कैसे यूज किया जाता है और वो क्यों तिरछे और आड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत रिसर्च से ही ये सब चीजें बनाई जाती हैं। आज के लिप कलर्स भी कई कई हजार रुपए के आते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होती है। अब वापस आ जाते हैं इस पर, तो ब्रश को हमेशा लेना है, साफ करना है ठीक से और फिर उसके बाद अप्लाई करना है। इस लिप कलर के साथ भी हम कुछ खेल खेलेंगे तो आप बने रहिए वीडियो में। ये भी बहुत डार्क शेड है। अब मैंने अप्लाई कर लिया, अब मैं इसको दोबारा से भरूं क्योंकि मैं इसके जो कर्व वाला हिस्सा है वहां से यूज करना प्रेफर कर रही हूं।
इस लिप कलर का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा, अगर लिप्स को बड़ा दिखाना है छोटा दिखाना है उसके लिए, क्योंकि ये काफी थिक है और लिक्विड है, तो इसके साथ हमको इस तरीके से खेलना, इसको यूज करना बहुत इजी हो जाता है। इतना डार्क शेड अगर हमेशा नहीं लगाना, लेकिन हमारे पास यही शेड है तो इसको अगर लाइट लगाना है तो हम कैसे करेंगे, यही मैं बताऊंगी इस बार आपको। जब भी हम कोई डार्क लिपस्टिक लेते हैं तो एक जनरल यही होता है कि हल्का सा ले लो, उसको फैला दो, वो एक अलग टेक्निक होती है, वो नेचुरल लुक अगर कभी दिखाना हो तो उसके लिए होती है। लेकिन आपको प्रॉपर कहीं जाना है, शादी पार्टी फंक्शन में, और अच्छी सी कोटिंग होनी चाहिए लिप कलर की, तो इस तरीके का लिप कलर लेना है जो कि स्टे ऑन ना हो लेकिन थिक टाइप का हो और थोड़ा डार्क शेड का हो, तो उसकी पूरी प्रॉपर एक कोटिंग लगा देनी है पहले लिप्स पर। उसके बाद लेना है एक टिश्यू पेपर, और ये ड्राई तो होगा नहीं, तो इसको लेकर ऐसे जो एक्स्ट्रा है वो यहां आ गया, ठीक है। अब और लाइट करना है, अभी तो बहुत डार्क है ना, मैं आपको वैसे भी दिखा रही हूं तो धीरे धीरे कर रही हूं। इस पर लिप्स को ऐसे थोड़ा सा चला भी सकते हैं, पूरे यहां तक इसको सेट करना है। अब निकल नहीं रहा है तो इसका मतलब अब इसको और हल्का करना है तो फिर कुछ और टेक्निक अपनानी पड़ेगी, लेकिन अगर यही टेक्निक अपनानी है तो इस तरीके से कर लेना चाहिए। अब जो लिप लाइनर है वो इससे खुद ही बन गया है, क्योंकि वहां तक ये नहीं गया है, इसने सिर्फ लाइन के अंदर अंदर की लिपस्टिक को लाइट कर दिया है। अगर तो इतना डार्क आपको चलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर इसी में थोड़ा लाइट शेड लेकर उसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अप्लाई करने की एक टेक्निक होती है। जब मैं मेकअप की ट्रेनिंग ले रही थी तब ब्राइडल मेकअप के लिए हमको इस तरीके की एक टेक्निक सिखाई जाती थी जिसका ये कुछ हिस्सा है, मैं उस पर आपको कभी सेपरेट वीडियो बनाकर जरूर शेयर कर दूंगी, क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी के काम आ सकती है, और मैंने तो वो सीखा है तो इसलिए मैं आपको उसकी सही सही नॉलेज दे पाऊंगी। तो अब ये इस तरीके से लगाने के बाद अगर लगता है थोड़ी ड्राई लग रही है, थोड़ी डल लग रही है, तो फिर काम आता है इस तरीके का लिप ग्लॉस। ये तो पिंक कलर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ट्रांसपेरेंट कलर का वो भी लगा सकते हैं। आप ऊपर नीचे के लिप में डिफरेंस देख सकते हो, यहां थोड़ी शाइन आ गई होगी, ऊपर का थोड़ा ड्राई होगा। तो इसको ऊपर भी लगा सकते हैं। इस लिप कलर को ऐसे हम कर सकते हैं क्योंकि ये स्टे ऑन नहीं था। वैसे लिप्स को ऐसे ऐसे जो हम करते हैं वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे लाइन जो आउट में है उसकी शेप चेंज हो सकती है, फिर उसको क्लीन करने का भी एक टास्क हो जाता है। और जब हम मेकअप करते हैं अगर एक बार लिपस्टिक खराब हो जाए तो बड़ी मेहनत से वो ठीक होती है, और मैंने तो कोई स्किन पर मेकअप नहीं लगाया, लेकिन अगर किसी ने लगाया है और फिर लिपस्टिक खराब हो गई तब तो आफत है, क्योंकि उस बेस का कलर पहले मैचिंग करो सारे मेकअप से और फिर उस लिप कलर को ठीक करो। तो मैं तो हूँ एक ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट, और बहुत साल तक मैंने अपने दो दो ब्यूटी पार्लर भी चलाए हुए हैं, उस समय उनको ब्यूटी पार्लर कहते थे अब सलून बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपको ऐसी वीडियोस बहुत सारी दिखा सकती हूँ, बनाकर टेक्निक सिखा सकती हूँ, जो कि हो सकता है फ्यूचर में मैं आपके साथ और भी ऐसी वीडियोस शेयर करूंगी, जैसे ब्राइड को किस तरीके से लिपस्टिक लगाई जाती है, मॉडल्स को किस तरीके से लिपस्टिक लगाई जाती है। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो चीजें शेयर की हैं आपके जरूर काम आएंगी, आप इनको अपनाइए, यूज कीजिए, नई नई लिपस्टिक्स मत खरीदिए, जो आपके पास लिपस्टिक्स है उन्हीं से काम कीजिए। मेरे पास गिनती की ये 5-7 लिपस्टिक्स है, मैं इन्हीं में खेलती रहती हूँ, इन्हीं को लगाती रहती हूँ, और इसमें से बहुत सारी लिपस्टिक्स तो मेरे लिए बहर भी लेकर आती है। तो आज की वीडियो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लिपस्टिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कैमरे का एंगल ऐसे लगाऊंगी कि आपको वो मैं लिपस्टिक लगाते हुए दिखाई भी दूं। मुझे उम्मीद है समझ तो आपको आज भी आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।